नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण में नामांकन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जनपद जौनपुर में शनिवार सुबह 8 बजे से नामांकन शुरू हुआ। नामांकन जिला मुख्यालय पर जहां कलेक्ट्रेट में तो वहीं ब्लॉकों पर नामांकन कराया गया। सुबह 8 बजे से ही कर्मचारियों के साथ भारी संख्या में फोर्स पहुंच गई। निर्धारित समय सुबह 8 बजे से देर शाम 5 बजे तक नामांकन लिया गया। इसके लिए ब्लॉकों पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ रही, दावेदारों की भीड़ रही। जिले के 21 ब्लॉकों पर जहां 1740 ग्राम प्रधान पद के लिए दावेदार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं, वहीं क्षेत्र पंचायत के 2027 व ग्राम पंचायत के 21,729 पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल हो रहा है। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य के 83 पदों के लिए नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट स्थित अपर जिलाधिकारी भू राजस्व के कार्यालय में जमा किया गया। नामांकन को लेकर सभी 22 केंद्रों पर जहां भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है, वहीं कोविड-19 के बचाव के लिए कोविड हेल्प डेस्क भी बनाया गया था, जिससे हर प्रत्याशी और उनके समर्थकों को नामांकन कक्ष में प्रवेश से पहले हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा था। थर्मल स्कैनिंग से उनके तापमान की जांच की जा रही थी। नामांकन के मद्देनज़र जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जहां धर्मापुर गौरव बादशाहपुर ब्लॉक में जो है पहुंचकर नामांकन स्थल का निरीक्षण किया, तो वहीं CDO ने भी ब्लॉकों पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर मानक को तार तार देख दोनों ही अधिकारियों ने ब्लॉक पर RO AR O को कड़ी फटकार लगाते हुए सुरक्षा व्यवस्था व मानक को का पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही खुद माइक संभालते हुए नामांकन करने आए प्रत्याशियों से भी अनुरोध किया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते कारण को देखते हुए लोग स्वयं जागरूक हों, अन्यथा प्रशासन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए विवश होगा, जिसकी जिम्मेदारी लोगों की स्वयं होगी। जैसा आप देख रहे हैं, जिला पंचायत का नामांकन यहाँ पे कलेक्ट्रेट में हो रहा है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने, प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल भी कर लिया। इसके साथ ही साथ ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और VDC मेंबर्स का नामांकन हमारे 21 ब्लॉकों में सुबह 8 बजे से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। हर जगह पे RO और AR O उनकी टीम लगी हुई है, SDM और BDO भी हैं। हर जगह पे CCTV कैमरे की, फोर्स की प्रॉपर व्यवस्था है, मैजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारा नामांकन हो। कोविड प्रोटोकॉल का लोग पालन करें, जैसे मैं यहाँ कलेक्ट्रेट में भी देख रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। इक्का दुक्का लोग जो मास्क नहीं पहने हैं उनको चेतावनी दी जा रही है कि बिना मास्क पहने यहाँ पे न घूमें। हम लोग की तैयारियाँ पूरी हैं, आज और कल 2 दिन नामांकन होगा, उसके बाद स्क्रूटनी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जो